जागे उससे पहले तुम जागो। खरपतवार के झंझट पर पूर्ण विराम लगा दो। वह कई रूप में आता है, वह जिद्दी फिर नहीं जाता है। स्ट्रॉन्ग आर्म से शुरुआत में पूर्ण विराम लगा दो। जागो किसानों जागो, पहले पूर्ण विराम लगा दो। आराम से खेती करना है तो पूर्ण विराम लगा दो। जागो। नमस्कार, जय श्री महाकाल। मेरा नाम जीतू आंजना पटेल है। मैं बामोरा गांव बंडनगर रोड उज्जैन तहसील जिला उज्जैन में निवास हूँ। मैं एक किसान हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे, दादाजी भी किसान थे। मैं करीबन आज 10 साल हो गए मुझे खेती में जुड़े हुए। इसके पहले मैं पढ़ाई करता था, मैंने फाइनल ईयर किया हुआ है, मास्टर डिग्री की हुई है। इसके बाद मैं घर पर आया, खेती से संबंधित जुड़ा। इसमें डेयरी फार्म का भी काम है, गाय भैंस है मेरे यहाँ। उसके बाद खेती देखता हूँ। खेती में बहुत समय पहले जब मैं देखता था पापा के समय में, उस समय कितने ही प्रकार का चारा, मतलब कह नहीं सकते, परेशान थे। इसमें कई प्रकार के चारे बगदे उगते थे तो जिनको मारना बहुत कठिन हो जाता था। मैं देखता था हर 15 दिन 20 दिन में दवाई लाना, आज इसकी दवाई लाए, आज उसकी लाए। उससे क्या होता था, दवाई तो छीट देते थे लेकिन खरपतवार मरता नहीं था, वो सोयाबीन के बराबर आके खड़ा हो जाता था वापस। फिर मैंने जब ये खेती मेरे हाथ में ली, मैं खेती करने लगा, मैं इससे जुड़ा, मैंने देखा यार कि अपने को ये दवाई डालना चाहिए, स्ट्रॉन्ग आर्म। फिर इसका दवाई का मैंने यूज़ किया, करीबन 5 साल से इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। इसमें ये कई प्रकार की खरपतवार को कंट्रोल करता है, जैसे दूधी, गाजर घास, बोकनी, बोकना, फुलकिया, ये जितने भी तरह के खरपतवार रहते हैं ये इसको उगने नहीं देता है। और इसका स्प्रे करना, डालना तो ठीक है, डाल तो हर कोई सकता है, अपने को एक वो कोई समस्या नहीं है। हाथ की टंकी से डाल दो, इंजन की टंकी से डाल दो, लेकिन एक समस्या थी, एक चुनौती थी कि इसको कैसे डालें, अपन संसाधन कहाँ से लाएंगे, बोनी भी करनी है, उसके साथ में अपने को इसका स्प्रे भी करना है। तो इसके लिए पहले से मैं तैयारी करके रखता था, मैं दवाई पहले ले आता था, संसाधन जुटाना, संसाधन में ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का पंप, स्प्रे वगैरह, पानी से संबंधित सभी चीज़ का ध्यान रखते हुए इसका ध्यान रखना पड़ता था। ये दवाई डालने के बाद मुझे कुछ लगा कि यार डालना चाहिए। मैं इसको पहले करीबन 45 बीघा में ही डालता था। इसके बाद मैंने दूसरी बार में पूरी 180 बीघा में इसका स्प्रे किया। 180 बीघा तो है ज़मीन, लेकिन डालने की बड़ी चुनौती थी। क्यों? मैंने इसको आपको इससे संबंधित पहले बता चुका हूँ कि इसमें संसाधन जुटाना बहुत कठिनाई का काम था। 180 बीघा मायने रखता है, बोनी भी करना, पानी आ जाए तो फिर क्या दवाई छीट सकते हैं नहीं छीट सकते, बड़ी कठिन चुनौती थी। तो ये सब संसाधन कंप्लीट करके फिर मैं डालता था बराबर। स्ट्रॉन्ग आर्म के बहुत से लाभ है। ये जो खरपतवार रहता है ये इसकी सोयाबीन के बराबर प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाता, ये बड़ा होता नहीं है, जाका जही रुक जाता है, मर जाता है, उगने के बाद भी ये पीला पड़ के मरता है। सोयाबीन पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, मैं काफ़ी समय से डाल रहा हूँ, किसी प्रकार का अभी तक इसमें साइड इफेक्ट नहीं हुआ। दूसरा फायदा ये है कि चारा बगदा तो उगता ही नहीं है, जो भी है चोरे पत्ते सभी प्रकार के। तीसरा फायदा, सोयाबीन में किसी प्रकार की हानि नहीं होती, उसमें किसी प्रकार का झटका, कोई पीलासपन, मतलब किसी प्रकार का उसमें अपन बोल सकते हैं कोई नुकसान हानिकारक नहीं है, बहुत अच्छा रहता है। चौथा, सोयाबीन में फूल, अगर चारा बगदा जो भी सभी प्रकार के ये नहीं रहेंगे तो सोयाबीन तो अच्छी होना ही है। उसके बाद सोयाबीन में फूल अच्छे आना, हाइट अच्छी हो जाती है, खेत साफ सुथरा रहता है। मैं जो उसमें खाद डालता हूँ पूरा का पूरा खाद वो जड़ में जाके सोयाबीन उसको ले लेता है, उससे पैदावार भी बढ़ती है, फूल भी ज़्यादा आते हैं सोयाबीन तने में, गांठ भी अच्छी बनती है, चारा नहीं रहता है नीचे में तो। उसके बाद सोयाबीन का दाना भी अच्छा पकता है, पैदावार भी अच्छी आती है। मैं ये जब से डाल रहा हूँ, मैं खुद का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये जब से डाल रहा हूँ मेरे सोयाबीन में पैदावार में 1 से 1.5 क्विंटल जो भी पैदा होता है सबका, उससे ज़्यादा पैदा होता है मेरा सोयाबीन हमेशा। दाना चमकदार रहता है, मोटा रहता है, और सबसे बड़ी बात यह है मेरा सोयाबीन मंडी में सबसे टॉप क्वालिटी में बिकता है। क्यों बिकता है? कि मैंने स्ट्रॉन्ग आर्म डाला, चारा बगदा नहीं हुआ, चारा बगदे ने इसका खाद वगैरह नहीं खाया, उसी का खाद वगैरह सभी जो ही रहता है ये सभी सोयाबीन को तने जड़ में मिलता है, तो उससे जाके सोयाबीन मेरा अच्छा पैदा होता है। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। मुझे लगता है कि सभी किसान भाइयों को इसका यूज़ एक बार ज़रूर करना चाहिए।
स्ट्रोंग आर्म उपयोग करने से मैंने सोयाबीन में पहले ही दिन से खरपतवारों पर पूर्ण विराम लगाया, क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं?